मुझे रोकने के लिए किसी माँ का बेटा नहीं पैदा हुआ, अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस इंस्पेक्टर को दी धमकी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी AIMIM के फायर ब्रांड लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने स्टेज से ही खचाखच भरे हुजूम के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी दी है। पुलिस वाले की गलती सिर्फ ये थी कि उसने अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ इशारा करते हुए कहा के तकरीर करने का वक्त खत्म होने वाला है। इस पर हैदराबाद के रुकने असेंबली असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी नाराज हो गए और उन्हें धमकी दी। दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी ने मंगल यानी 22 नवंबर को एक पुलिस इंस्पेक्टर को खुलेआम धमकी दी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने जूनियर ओवैसी से कहा था कि वो रियासत में नाफिज मॉडल जाब्ता अखलाक पर अमल करे। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि अब वो अपनी तकरीर बंद कर दे क्योंकि उसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत मुकर्रर करदा वक्त की हद उबूर कर ली है। उस पर ओवैसी ने जो हैदराबाद में एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे पुलिस ऑफिसर को पंडाल छोड़ने को कहा। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने अपने हामियों की तरफ इशारा किया तो उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। जूनियर ओवैसी ने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं चाकू और गोलियां खाकर कमजोर हो गया हूँ? ऐसा हरगिज़ नहीं है क्योंकि मेरे अंदर अब भी बहुत हिम्मत है। अभी 5 मिनट बाकी है और मैं अभी 5 मिनट बोलूंगा। उनका मजीद कहना था, मुझे रोकने के लिए किसी माँ के बेटे ने जन्म नहीं लिया। अगर मैं सिग्नल दूं तो आपको भागना पड़ेगा। क्या मैं उनसे भागने को कहूँ? मैं कह रहा हूँ कि ये लोग हमें कमजोर करने आए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रायन गुट्टा हल्के से असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवार है। ये सीट AIMIM का गढ़ रही है। पार्टी ने 2014 और 2018 के पिछले 2 असेंबली इंतखाबात में इस इलाके से कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर कहा कि अगर बीजेपी की हुकूमत है तो इस एक्ट के लिए बुलडोजर एक्शन होगा। तेलंगाना बीजेपी ने कहा, AIMIM कई दिहाइयों से कांग्रेस और BRS की हिमायत से एक मुजरिमाना इदारा बन गया है। उसने हैदराबाद शहर को जुराइम का शिकार बना रखा है। इस गंदगी को साफ करने का वक्त आ गया है जो जानबूझकर पैदा किया गया था। बीजेपी हुकूमत में अकबरुद्दीन के इस इकदाम का जवाब बुलडोजर से दिया जाएगा। हम बेतन खरीद करते हैं, इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास, या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है छेड़ोवत बड़े आके ठहरे। 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रायन गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए? मैं आपसे यही कह रहा हूं, कैसी आते हैं हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। होशियार रहो, ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ, देख लेते हैं तुम जीते या हम। तो आपसे यही कह रहा था, मुनज्जम रहो, मुत्तहिद रहो, जमात ताकत है, जमात को मजबूत रखो और कोई कुछ करने वाला नहीं है। ये RSS का टिल्लू आया है ना, टिल्लू 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 टिल्लू, अरे कुछ होने जाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। मजलिस ने राव से भी काम लिया, रड्डी से भी लिया, सब से लिया। कहां है किरण? ये टिल्लू भी डूब जाएगा, घुम जाएगा। मजलिस हमारी जान है, मजलिस हमारी शान है, मजलिस हमारी आन है, मजलिस हमारा वखार है।